Hello friends, I am Priyank Tripathi. Welcome to my YouTube channel Tripathi Preparation Classes. Okay, so today we start our new chapter, Surface Area and Volume. We will discuss about many figures, many 3D shapes in this chapter, like cube, cuboid, cone, cylinder, sphere, hemisphere, and hollow cylinder. In this chapter we discuss about this and there. We will know how to find their CSA. We know CSA also as LSA. What its full form is? Curved lateral surface area. And TSA, total surface area. And the third thing which we discuss in this chapter is volume. Okay, now I will give you some examples of that, how we will find CSA, TSA and volume. And what is this? Friends, आपको देख रहे हो मैंने टेबल पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं. पहले ये किस शेप में लिख रहा है, हमें सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है. ये हमारी बुक, बुक हमारी किस शेप में, क्यूबॉइड शेप में. ये हमारा क्या है, कटोरा है. ये किस शेप में, हेमिस्फीयर के शेप में है. और ये हमारी बॉल, बॉल किस शेप में, हमारी स्फीयर के शेप में. चलिए हम लोग जानते हैं कि सी एस ए क्या होता है, टी एस ए क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है. तो जैसे मान लीजिए आपको अगर किसी चीज़ को डेकोरेट करना होगा, जैसे मान लीजिए आपको इसको डेकोरेट करना होगा, ठीक है, तो आप इसके कौन से पोर्शन को डेकोरेट करेंगे. ये हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर को अगर डेकोरेट करना है आपको, तो आप इसके कौन से पोर्शन को डेकोरेट करेंगे. हम इसके इस पोर्शन को पूरा डेकोरेट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरा डेकोरेट कर देंगे, क्लियर. मतलब ये सरफेस को हम लोग पूरा घुमा घुमा के इसको डेकोरेट कर देंगे. जैसे इसमें डेकोरेशन है, डेकोरेशन का काम देखिए इसमें कितना भी, इतने पे ही है खाली. यहाँ पे कोई डेकोरेशन है नहीं, यहाँ पे कोई डेकोरेशन है नहीं, जो भी डेकोरेशन है सब इस पे ही है. तो सी एस ए मतलब क्या होगा, जब हम इसको इस पार्ट तक डेकोरेट करेंगे, इतने पार्ट को लेंगे, जब यहाँ से स्टार्ट कर दिए इस पार्ट पे, ऊपर की चीज़ और नीचे की चीज़ छोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा सी एस ए, ठीक है. अब आगे बात करते हैं टी एस ए की. टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया मतलब कैसे पता चलेगा, जैसे कि है, अगर आपको इसको किसी को गिफ्ट पैक करके देना है, ठीक है, मान लीजिए इसको पैक करके देना है, डेकोरेट करना था तो आपने इतना कर दिया, लेकिन आपको इसको पैक करके देना है. पैक करने में ऐसा थोड़ी ना कि आप ऊपर नीचे छोड़ देंगे, पैक करने में क्या करेंगे, इसको पूरा रैप करके इसको पैक करके देंगे. उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया. उसी तरीके से इसके लिए भी है, अगर आप इसका सी एस ए निकालना होगा या फिर इसको आप इसको देख रहे हैं डेकोरेशन, तो इसके इस पोर्शन पर है, इस पोर्शन यहाँ यहाँ है, बट इसके यहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं, यहाँ पे कोई डेकोरेशन, मतलब इसके भी कवर्ड कर्व सरफेस एरिया पे डेकोरेशन है. और इसको भी अगर पैक करके देना होगा तो हम इसको पूरी बुक को ही पैक करेंगे, इसका ये सरफेस और ये सरफेस हाइट भी इंक्लूडेड हो जाएगी. इसको भी अगर डेकोरेट करना होगा तो घर में भी ऐसे कई सारे बर्तन रखे होंगे, कटोरी, हेमिस्फेरिकल शेप में एग्जाम्पल, जिनका डेकोरेशन यहाँ पर ही होता है, इसके नीचे की तरफ और इसके ऊपर की तरफ डेकोरेशन नहीं होता है. तो जो बाहर की तरफ हम लोग करते हैं एरिया निकलता है, वो हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है. और जब हमको इसको पैक करके देना होगा तो इसको पैक करेंगे तो ऊपर नीचे हर जगह पैक करेंगे, वो हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया. बट इन दिस केस अगर हमसे कोई कह देता है ये स्फेरिकल शेप है कि इसको अगर आपको डेकोरेट करना है तो आप इस पूरी बॉल को ही क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगे, क्लियर. तो मतलब क्या हुआ इसका, और किसी को पैक करके भी देना है तो इस पूरी बॉल को पैक करके देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि स्फीयर का जो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा, और जिसका फॉर्मूला होता है 4πr². अब थर्ड चीज जो आती है हमारी, आती है वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है हमारा,
वॉल्यूम मतलब हो जाता है कैपेसिटी, मतलब ये तो हो गया हमारा शेप, क्लियर। ये हमारा हो गया हेमिस्फेरिकल शेप, इसके आउटर सरफेस को कवर किया तो हमारा हो गया सी एस से, जब इसको पूरा कवर किया तो हमारा हो गया टी एस से, क्लियर। अब बात आ गई वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, इस कटोरे में कितना पानी अमाउंट ऑफ वाटर आ जा रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, मतलब इस हेमिस्फेरिकल बाउल की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, इस हेमिस्फेरिकल बाउल की कितनी कैपेसिटी है वही इसकी हो जाएगी वॉल्यूम, कि कितना वाटर कंटेन कर सकता है। तो वॉल्यूम पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके रूम का एयर कंटेनिंग कितना होगा, एयर कितना कंटेन करेगी, तो फिर एयर की कैपेसिटी आपके रूम की कैपेसिटी क्या है, कितना एयर एरिया आएगा उसका, कितना एयर कंप्लीट करेगा, कितना वाटर आएगा, या फिर किसी कंटेनर में कितना वाटर आएगा, किसी टैंक में कितना आएगा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या आता है वॉल्यूम। तो ये हमने देखा कि कैसे क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है।